नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो साइकोलॉजी और पैडागोजी आती है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र आती है, उसके ओल्ड पेपर। इससे पहले दोस्तों एक मैं करवा चुका हूँ ओल्ड पेपर, आज अपन करेंगे जो कॉमर्स यानी वाणिज्य फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी आई थी, यानी फर्स्ट पेपर में जो साइकोलॉजी आई थी वो करेंगे 30%। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 30%। इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वाणिज्य कॉमर्स में आया हुआ पेपर है। क्वेश्चन नंबर एक है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, ये परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा मैं, ये परिभाषा स्किनर मोदे की है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, ये स्किनर की परिभाषा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता का विकसित करने हेतु करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमनात्मक तार्किकता, यानी पहले नियम और फिर उदाहरण। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में किया जाता है तार्किक निष्कर्षों को बताने के लिए किशोर? तो इसका हो जाएगा निगमनात्मक तार्किकता। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने बता दिया था दोस्तों आगमनात्मक तर्क क्या होता है और निगमनात्मक तर्क क्या होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान ने बालक के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों तीन नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान ने बालक के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, उपयोगी अनुभव। ठीक है, बाकी कोई सा सही नहीं है, उपयोगी अनुभव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों ये सारे आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में, शिक्षार्थी भी, सीखने की प्रक्रिया भी, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट है पाँच नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता निम्नांकित में से किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये डिलीट किया गया था आरपीएससी के द्वारा ये डिलीट कर दिया गया था। निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य, मूल्यांकन कार्य, इनमें से कोई नहीं, तो ये डिलीट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है छः नंबर, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चों के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण तथा विधियों के उपयोग में। इसके साथ साथ दोस्तों बता दूं मैं, ये क्वेश्चन कहीं रिपीट भी हुआ है पहले एग्जाम में, तो आप गौर से देखें इस वीडियो को, क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों सामाजिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें सामाजिक विकास में खेल भी निभाता है, शिक्षक भी निभाता है और अभिभावक भी निभाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इसको भी डिलीट किया गया था आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशिक्षण। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है, तो वो प्रशिक्षण होता है दोस्तों, यानी किसी कार्य को अपन बार बार करेंगे तो वो स्थायी हो जाता है, और यदि अपन उसको छोड़ देंगे तो वो भूल जाते हैं अपन उसको। नेक्स्ट है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों समायोजन है वो निरंतर चलने वाली, देखिए समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समायोजन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है,
तो ये गलत है दोस्तों, बाकी सारे सही हैं। यह समस्या का समाधान करता है, यह संतुलन प्रदान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति में तनाव, संघर्ष तथा चिंता से घिरा रहता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, वह कारक को अधिगम को प्रभावित नहीं करता। मतलब वह कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, सीधा सा दे रखा है, वर्ष का माह। वह कारक जो अधिगम का प्रभावित नहीं करता है अधिगम को, तो वर्ष का माह ये प्रभावित करता ही नहीं। बाकी सारे चीज़ प्रेरणा, अधिगम, विधि, विषय वस्तु की प्रकृति करते हैं, सीधा सा दे रखा है। 11 नंबर है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है जीवन पर्यंत प्रौढ़ावस्था तक। तो दोस्तों सीधा सा इसका आंसर, अधिगम है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अधिगम विकास का प्रक्रम है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है वुडवर्थ महोदय का, अधिगम विकास का प्रक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों कौन सा कारक है जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों इसको भी RPSC ने डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, बाकी खोखली मित्रता है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सारी है विद्रोह की भावना, समूह को में तो रुचियों में परिवर्तन। खोखली मित्रता नहीं होती दोस्तों, किशोरावस्था में तो पक्की मित्रता होती है, ठीक है? टूटती है तो पक्की टूटती है, बनती है तो पक्की बनती है, ठीक है? खोखली मित्रता का लेना देना नहीं होता किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षा द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षा द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो शारीरिक विकास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है? तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर पाठ प्रदर्शन है, वो है एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना, पाठ प्रदर्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता नहीं है, बाकी सारी है। तर्कता भी है, वर्गीकरण भी है, संप्रत्यय रचना भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये ICT से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो रोम नहीं है सेकेंडरी डिवाइस मेमोरी। बाकी CD-ROM, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? रोम नहीं आता, रोम तो स्थाई है ना, और प्राथमिक मेमोरी है, अंदर ही होती है तो CPU के। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास रुकता नहीं है, वृद्धि रुक जाती है। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? तो मौलिक व्यवहारवादी के रूप में दोस्तों स्किनर महोदय को वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है, दंड तथा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रक्रिया प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दंड तथा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो वही है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्किनर वाला। नेक्स्ट है, अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदेशन उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्य हैं, उनको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 नंबर, अभिकर्मित अनुदेशन है 23 नंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकर्मित अनुदेशन है वो स्वतः अधिगम है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 व 4, शैक्षणिक उपलब्धि, और इसके साथ साथ सामाजिक भाषा और विविधता को स्वीकार करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, 25 नंबर, निम्नांकित में से किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया गया?
तो दोस्तों फ्रेंडर ने किया था अंत्यक्रिया, छह प्रकार का वो बताए थे इन्होंने, छह प्रकार के सोपान, ठीक है, फ्रेंडर कक्षागत अंत्यक्रिया विश्लेषण विकसित किया था, तो फ्रेंडर ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ब, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट है 27 नंबर, सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है, तो दोस्तों सबसे कम मेमोरी साइज है वो है किलोबाइट, किलोबाइट, ये मेमोरी वाला आप याद रखना क्योंकि आईसीटी में आपके लगता है। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MS विंडोज नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, थोड़ा गौर करना, नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर संवेगों की आत्म अवधारणा। नेक्स्ट है 30 नंबर, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो दोस्तों वह है वो सही नहीं है, शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है, नहीं शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि नहीं है, बाकी देखिए शिक्षण अंत प्रक्रिया है, शिक्षण स्वदेश गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि बिल्कुल सही है, ये गलत है दोस्तों, शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कोई और ओल्ड पेपर, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, धन्यवाद।